हाय गाइस, मेरा नाम है मनोज और हमारे सिटी के कई टैलेंट से हम मिले होंगे, लेकिन आज मेरे ऑफिस में आपको एक अजूबे से मिला दो। एक का जो टैलेंट है वो बहुत ही रेयर है, दिखाइए जरा। ठीक है, और ये देखिए क्या मैचिंग है। तो मैंने सोचा कि पूरे ऑफिस में घूम घूम कर आज पता किया जाए कि ऐसी गलती कितने लोग कर चुके हैं और अपनी इस गलती को वो कैसे छुपाते हैं। इनका नाम रश्मि है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रश्मि कि आप जब घर से निकले तो आपने रियलाइज किया कि आपने गलत मोजे डाल लिए हो और ऑफिस आए और बहुत एम्बैरेस होना पड़ा? तो मैं एकदम रेडी होकर एकदम जिट जैट पूरा प्रॉपर मेकअप लगाया, एकदम रेडी शेडी, एंड जब मैं ऑफिस पहुंची और मीटिंग में बैठी सबसे फ्रंट बेंच चेयर पे, तो मेरे सर ने बोला ये क्या पहना है। मैं बाथरूम वाले चप्पल पहन के गई थी अभी नहीं। सो वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था और मुझे उस मीटिंग से हटाया गया और मुझे नई सैंडल खरीद के लानी पड़ी और वो पहन के फिर मैं छुपाना पड़ा, मैंने जूते खोल दिए और ऑफिस में जगह रखा हुआ है तो मैंने दूसरे जूते पहन लिए। हमारे साथ है दीपा, 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 दीपा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब तुमने रियलाइज किया कि ऑफिस में तुम गलत मोजे पहन के आ गई हो? मैं मोजे पहन गई। हम परफेक्ट लोगों की बात नहीं करते, चलो कहीं और। हेमंत, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब जल्दी जल्दी में मैं कॉलेज पहुंचा, पता चला कि मैं दोनों मोजे अलग अलग पहना हूँ। क्या हुआ, दिन भर खाते पीते उठते बैठते कॉलेज में पूरा ध्यान पैर पर, जब भी पैर उठाता था कहीं डिग न जाए, कहीं डिग न जाए, ऐसा पूरा दिन भर बात चला गया था, खाते पीते ध्यान उसी पर। ऑफिस के अगले आदमी को पकड़ने के लिए हमें एक खास जगह जाना पड़ेगा जहां हम अलाउड नहीं। तो आज जितने सारे लोगों से हम मिले सबने ये कन्फेस किया कि यस, उनके साथ ये गलतियां हुई है, कई बार उन्होंने गलत मोजे पहने हैं। गलत मोजा पहनना अपराध नहीं है, लेकिन उन मौजों को पहनना जिनसे बदबू आती है ये बहुत बड़ा अपराध है। सो गाइस, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम मैक्सिमम म्यूजिक के लिए। मैं हूं मनोज, रग रग में जमशेदपुर सिटी। सर ये मेरी जगह है, मेरी जगह तो छोड़ दीजिए, मेरी नौकरी क्यों? एफएम 91.1 एफएम।